नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल गोलूज रेसिपीज़ में। आज हम बनाने वाले हैं चिकन 65। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत सिंपल रेसिपी है। तो इधर मैंने ले लिया है बोनलेस चिकन। आप चाहे तो कौन सी भी तरह का इसमें चिकन यूज़ कर सकते हो, बोन लगा हुआ भी चिकन यूज़ कर सकते हो। तो मैंने इधर ले लिया है बोनलेस चिकन। तो मैंने इसे एकदम अच्छी तरह से धो लिया और एकदम परफेक्ट कट करवाया है मैंने इसे। तो मैंने इसमें डाल दिया है 2 से 3 टेबल स्पून अपना जिंजर गार्लिक प्याज और लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया है। साथ ही में मैंने मिर्ची का भी पेस्ट डाल दिया है। तो मैंने इसमें डाला है 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर इस रेसिपी में बहुत यूज़फुल है। कॉर्नफ्लावर अगर आपके पास नहीं होगा तो ये रेसिपी आपके इम्पॉर्टेंट नहीं रहेगी। तो मैंने इसमें डाला है अब 2 चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा अगर आप स्किप कर सकते हो कॉर्नफ्लावर, अगर आपके पास चावल का आटा हो तो इसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। तीखा रहेगा तो आपका चिकन 65 उतना ही टेस्टी बनेगा फ्रेंड्स। तो मैंने इसमें डाल दिया है 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। अब मैंने डाला है इसमें 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। तो ये सब डालने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको एकदम अच्छी तरह से मैरिनेट करने की प्रोसेस में डाल दूँगा। लगभग आधे घंटे तक इसे मैं मैरिनेट करूँगा। तो मैंने इसमें डाल दिया अभी स्वाद अनुसार नमक। आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डालिएगा। मैंने इसे भी 1 टेबल स्पून डाल दिया है। तो मैं आपको एक टिप्स देना चाहूँगा इस वीडियो में कि आप जब भी चिकन 65 बनाओ तो नमक का मात्रा थोड़ा ज़्यादा रखो, क्योंकि वो फ्राई होते वक्त नमक कम हो जाता है। तो मैंने इसमें डाल दिया है एक एग यानी अंडा इसमें डाल दिया है। आप चाहे तो 2 भी डाल सकते हो, लेकिन हमने इधर लगभग 250 ग्राम चिकन का यूज़ किया है। तो मैंने इधर लिया है चिकन 65 मसाला जो मार्केट में इजीली अवेलेबल मिल जाता है। तो आप चाहे तो इसे ग्रोसरी शॉप में भी मिल सकते हो और राशन का दुकान में तो नॉर्मली बहुत अच्छी तरीके से मिल जाता है। तो अब क्या करेंगे ना, हम इसे मिक्स कर देंगे। अंडा नहीं है आपके पास तो ये रेसिपी को प्लीज़ ट्राई मत करिएगा। अंडे के बिना ये थोड़ा भी अच्छा नहीं बनता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, लेकिन मैंने इसे सिंपली वे में आज बनाया है आपके लिए। तो अंडा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है इस चिकन 65 में। तो अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसे मैरिनेट होने के लिए लगभग आधा घंटा तक रख देंगे। तो कोई कोई 1 घंटा भी रखता है, क्योंकि जिससे कोई कोई तो 2 घंटा भी रखता है, कोई पूरा दिन भी रखता है। एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, आप जितना देर इसे मैरिनेट करोगे ना, आपका चिकन 65 उतना ही जूसी, उतना ही टेस्टी और उतना ही परफेक्ट बनेगा। तो मैंने इसे आधे घंटे तक मैरिनेट कर लिया है। तो तेल को मैंने एकदम अच्छी तरह से गर्म होने के लिए डाल देंगे। तेल हमारा जितना गर्म होगा ना, उतना हमारा 65 जो रहेगा उतना स्पाइसी क्रिस्पी बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक पीस जो है ना इसमें डाल देंगे आराम से, आपका हाथ ना जले, आप केयर लीजिएगा इसमें। तो मैंने इसे एक एक करके अपनी पीसेस जो है इसमें डाल दिया है मसाले के साथ। तो ये देख सकते हो आप, हमारा मसाला जो है कितने अच्छी तरीके से इसमें घुल मिल गया है। आपको लग रहा है कि हमने मसाला डाला है, आपको लग रहा होगा चिकन 65 भी पूरा मसाला डाला है। तो मैंने एक एक पीस इसमें डाल दिया और इसे एकदम अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अगर आपको मेरी चिकन बिरयानी की रेसिपी आपने अभी तक देखी नहीं है तो मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करिए और जाके मेरी फटाफट से चिकन बिरयानी की रेसिपी देख लीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, हमने चिकन के सारे पीसेस इसमें डाल दिए हैं। तो अब हम इसे अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक एक साइड भुनेंगे, फिर दोनों साइड हम लगभग 6 से 7 मिनट तक एकदम अच्छी तरह से इसे भून लेंगे यानी फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो इसे एकदम डीप फ्राई में कर सकते हो, मैंने इसे फिलहाल शैलो फ्राई किया है। तो इस तरीके से आप करोगे ना तो आपका चिकन 65 एकदम जूसी बनेगा, एकदम टेस्टी बनेगा। तो इस प्रोसेस में आपको इसी तरह की मेहनत इसमें बहुत करनी पड़ती है। तो मेहनत का फल मीठा होता है, आप सभी को पता ही है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये एकदम एक साइड से और दोनों साइड से एकदम अच्छी तरह से पक गया है। इसे हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो हमारा 65 जो है जल जाएगा, जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं इस प्रोसेस में। तो मैंने इसे एकदम अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, सर्व कर लेंगे। तो आप चाहे इसे रेड चिली सॉस के साथ खाओ, टमाटो सॉस के साथ खाओ, ग्रीन चिली सॉस के साथ आप खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है इस तरीके से। तो मैंने इसे एकदम अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। तो अब हम इसे एक प्लेट में या बाउल में या डिश में निकाल के रख लेंगे और दूसरे तरह से हम इसे तलना स्टार्ट कर देंगे। तो गैस का फ्लेम मैंने इसे हर प्रोसेस में मीडियम फ्लेम पे रखा है, जिससे जो हमारे चिकन रहेंगे ना एकदम अच्छी तरह से पक जाएंगे। तो मैंने इसे एक बार और पलट लिया है, हमारा चिकन 65 जो है एकदम फ्राई करके रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे बाउल में सर्व कर लेंगे। तो मैं आपको एक झलक दिखा सकता हूँ हमारे चिकन 65 की।
ये देखिए हमारा चिकन 65 कितना अच्छा दिखने में ही लग रहा है, जूसी लग रहा है, टेस्टी लग रहा है, उतना अच्छा ये खाने में भी है। एक बार ट्राई करिएगा अपने घर पे और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं कमेंट सेक्शन में आपको आपको कोई भी तकलीफ़ होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको पूरा बता दूंगा। तो मैंने अब एक बार फ्राई कर लिया, अब हम दूसरे बार फ्राई कर लेंगे एकदम अच्छी तरह से। तो मैंने इसे चिकन जितना मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, अपना चिकन जितना मैरिनेट हुआ रहेगा उतना अच्छे तरीके से फ्राई होगा। तो अब हम इसे दूसरे साइड से भी फ्राई कर लेंगे दूसरी बार भी। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो चिकन लवर है। तो मेरे तरह मेरे चैनल पे बहुत सारे चिकन की वीडियोज़ है, आप जाके देख सकते हो। तो मैंने एक एक करके इसमें चिकन फिर से डाल दिया और इसे मैं अच्छी तरह से तल लूँगा। अगर आपको इसी तरह की रेसिपी मुझे बताना है कि भैया या मेरा नाम गोलू है, तो आप मेरा नाम लेके से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। देखिए मैंने इधर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा अपनी इंस्टाग्राम आईडी का, तो आप मुझे उस पर मैसेज करके बता सकते हो कि आपको कौन सी रेसिपी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से बोल रहा हूँ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और थैंक यू बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए।